श्रीमद्भागवत ओम नमो नारायण राधे राधे जय। सर्वप्रसाद आत्मघातम श्री भागवत का लिखते 88,000 संपादक लिखियों ने नामकार तीर्थ प्रसूद जी पंडित सुखदेव व्यास जी से कहा कि तुम कोई कथा और लीला परमेश्वर की ऐसी वर्णन करो जिससे भक्ति और ज्ञान और वैराग अधिक होए। और कलयुग में संसारी मनुखों का ज्ञान राक्षसों के समान हो गया है, इसलिए कोई सुखी नहीं रहता। सब किसी को ऐसा क्रोध और मोह है, लोभ उत्पन्न हुआ है कि आठों पहर उसी दुख में व्याकुल रहते हैं। कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों के रहने में भक्ति और प्रतीक उत्पन्न होकर सुख मिले। ये बात सुनकर सूर्य जी बोले, जो तुम लोगों की बहुत अच्छी बात कलयुग वासियों को धार करने वास्ते पूछी है, जो कालू की सांप के मुँह में पड़े हैं, सो वो कथा श्रीमद् भागवत है जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी। जिस समय राजा को सिंगी ऋषि के श्राप देने करके ऋषिश्वर और मुनीषों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा किनारे आनकर कथा श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया, उस समय में देवताओं ने अमृत का कलश वहां लाकर सुखदेव जी से कहा, महाराज ये अमृत का घड़ा आप लीजिए और हम लोगों को कथा रूपी अमृत पिलाइए। ये बात सुनकर सुखदेव जी बोले, तुम्हारा अमृत हमारे किसी काम का नहीं है। इस अमृत पीने से आयुधा मनुख की देवता बराबर होती है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे अमृत से उत्तम एक कथा रूपी अमृत भगवान का चरित्र है, जिसको सत्ता पढ़ने या सुनने से जीव अमर होकर कभी नहीं मरता और मुक्त पदवी पर पहुंचकर आवागमन से छूट जाता है। इसलिए राजा परीक्षित, तुम्हारे अमृत पीने की इच्छा ना रखकर भगवान को भी अमृत पीना चाहता हूँ। इतना कथा सुनकर सूत जी ने कहा, नारद मुनि को संकादकों ने सप्ताहपरायण श्रीमद् भागवत का सुनाकर उस कथा सुनने की विधि भी बतलाई। ये बात सुनकर संपादित ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि नारद मुनि दो घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरते, तो वो 7 दिन किस तरह इस जगह रहे जो उन्होंने सप्ताहपरायण सुना और संपादकों का दर्शन भी जल्दी किसी को नहीं मिलता, वो नारद मुनि को कैसे मिले और ये सप्ताह जग कहाँ पर हुआ था, इसका हाल बतलाइए। ये वचन सुनकर सूत जी बोले, एक समय संत सनंदर और सनातन और संत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रीनाथ में आए, सो उन्होंने नारायण को पहले से वहाँ उदास बैठे तो उन्होंने नारद जी को पहले से वहाँ उदास बैठे देखकर पूछा, हे नारद मुनि, आज तुम मलिन स्वरूप चिंता में किस वास्ते बैठे हो और कौन बात का सोच तुम्हारे को है। नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा, हमें इस वास्ते चिंता है, सुनिए हमने सब तीर्थ कंशी और गोदावरी और गया आदि में जाकर देखा तो उन तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है कि सबका तप और आचार और दया दान कलयुग में सब जाता रहा, केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब मनुख व्याकुल रहकर झूठ बोलते हैं। वा अभागी व पखंडी होकर माता व पिता की सेवा नहीं करते, स्त्री और साले और ससुरे की आज्ञा में रहकर दौलत के लालच में अपनी बेटी बीच कुल में बेचते हैं। जहाँ देखो वहाँ पर मलेश और शूद्र की बढ़ती दिखाई देकर ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कर्म और धर्म से रहत दिस रहे हैं। किसी को अपने धर्म पर स्थिर न देखकर जब चारों तरफ से फिरता हुआ मार्ग में जमुना किनारे पहुँचा तब वहाँ यह अचरज की बात दिखलाई दी कि एक स्त्री जवान बैठी
रोती है और दो मनुख बूटे उसके पास अचेत पड़े हैं और वो स्त्री चारों तरफ इच्छा से देख रही थी कि कोई मनुख मेरी सहायता करने वाला आन कर प्राप्त हो। जैसे उसने मुझे वहाँ पर देखा तैसे खड़ी होकर बोली, महाराज आप एक क्षण ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग थे जो आपने मुझको दर्शन दिया। जब मैंने उस स्त्री से पूछा कि तू कौन है और ये दोनों पुरुष जो चेत पड़े हैं इनका हाल बतलाओ, तब उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग है और इन पांच सात स्त्रियों को जो जहाँ बैठी देखते हो, ये गंगा और जमुना और सरस्वती आदि नदियाँ स्त्रियों का रूप धार कर मेरी टहल करने वास्ते आई हैं। मैंने दापत देश जन्म लिया और कर्नाटक देश में स्थानी होकर थोड़े दिन दक्खन में रही और गुजरात में जाकर बूटी हुई। वृंदावन में आने से जवान हो गई हूँ, पर मेरे दोनों बेटे कलयुग वासियों ने घोर पाप करने से ऐसे डूबे और अचेत होकर पड़े हैं कि बोलने की समर्थ नहीं रखते। इसके दुख में मैं बहुत उदास रहती हूँ। ये बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र बूढ़े हुए और मैं जवान हूँ। ये हाल देखकर संसारी लोग मुझे हंसी करते हैं, इसका कारण बतलाइए। जब स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे ये हाल पूछा तब मैंने अपनी बुद्ध से विचार कर कहा, अब घोर कलयुग के आवरण से तेरी और ज्ञान विचार की कुछ मर्यादा नहीं रही। केवल वृंदावन आने से तू जवान हो गई है और तेरे बेटे को कलयुग में कोई नहीं जानता, इस कारण वो ज्यों का त्यों बूढ़े और निर्बल बने हैं। ये बात सुनकर उसने कहा, जो कलयुग ऐसा दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने किस वास्ते दया करके प्राण बख्शे? उसके छोटे जिस पर दया करने से सब लोगों का कर्म और कर्म जाता रहा, उसे मार क्यों नहीं डाला? तब मैंने उसके उत्तर दिया कि परीक्षित ने कलयुग में बड़ा गुण देखकर उसे नहीं मारा कि दूसरे युगों में हजारों वर्ष तक जग और तप और दान और धर्म करने से भी परमेश्वर का दर्शन जल्दी नहीं मिलता था। सो कलयुग में केवल भजन और कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर अपना दर्शन देते हैं, पर कलयुग वासियों के सहज बात की भी भली नहीं बन पड़ती। इसलिए कलयुग ने सब मनुष्यों का कर्म कर्म खो दिया है। तीर्थों में ब्राह्मण प्रति ग्रहदान लेकर प्राश्चित उसका नहीं करते और सब कोई काम क्रोध और लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं। कलयुग का यह धर्म है जिसने केवल परमेश्वर का भजन और सिमरन उत्तम समझना चाहिए। ये बात सुनकर भक्ति ने कहा, तुम धन हो, बड़े भाग से तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए। आपस सभी का दुख दूर करने के योग हो सो कोई उपाय करके ज्ञान और वैराग को जवान कर दीजिए जिसमें मेरा दुख छूट जाए। सो तुमको बार बार निंडोत करती हूँ। पहला अध्याय समाप्त। ओम नमो नारायण श्री कृष्ण राधे राधे।